नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हम इस पार्ट में देख रहे हैं, यह है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब सोचने वाली बात यह है कि वैसे तो ये रैखिक लग रही है कि यहाँ x है यहाँ y है, लेकिन यहाँ xy है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही पूरी रकम को एक्स वाई से भाग कर देंगे। तो आ जाएगा 6x प्लस 3y, इसको एक्स वाई से भाग कर दो 6। ये जो एक्स वाई इधर 6 के साथ गुना हो रहा था, ये उधर आके भाग हो गया। इसी प्रकार से यहाँ कर लो, ये जो एक्स वाई 5 के साथ गुना हो रहा है, उधर आके इससे भाग हो गया, तो यहाँ बच गया 5। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसा हमने इससे पिछले भाग में किया, ये एक्स वाई 6x के नीचे भी है, 3y के नीचे भी है, तो इसको अलग अलग लिख दो। अपॉन एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर 6। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये एक्स वाई इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो इसको दोनों के अलग अलग नीचे लिख दो। 2x बटा एक्स वाई प्लस 4y बटा एक्स वाई बराबर 5। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से। x से x कट जाएगा, बाकी बचेगा 6 अपॉन y, y से y कट जाएगा, बाकी बचेगा 3 अपॉन x बराबर 6। इधर आ जाओ, x से x कट जाएगा, बाकी बचेगा 2 अपॉन y प्लस y से y कट जाएगा, बाकी बचेगा 4 अपॉन x बराबर 5। अब हमें क्या करना है, जैसा हम पिछले भागों में करते हैं, लेट 1 अपॉन y बराबर a, 1 अपॉन x बराबर b। 1 अपॉन y को मान लो a, 1 अपॉन x को मान लो b। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए 6, 1 अपॉन y की जगह a प्लस 3, 1 अपॉन x की जगह b आगे है बराबर 6, बराबर 6। ये हमारी पहली रैखिक समीकरण आ गई। ऐसे ही यहाँ देखो 2y, 2 1 अपॉन y की जगह a, 4 1 अपॉन x की जगह b बराबर 5। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा आगे हल करते हैं। तीन बी बराबर होगा 6, 6a इधर प्लस हो रहा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोबारा देखो, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो मैं 6 कॉमन लेता हूँ, बाकी क्या रह गया 1 माइनस a। नीचे है 3, इधर गुना हो रहा, उधर जाके हो जाएगा भाग, ये 3 से 6 कट गया 2, तो b कितना आ गया, 2 गुना 1 2 माइनस 2 गुना a 2a। ये b की वैल्यू आ गई। b की ये वैल्यू अब हम डाल देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। इसे हम हमेशा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। जब हमने प्रतिस्थापन विधि की थी, तभी से हम यही विधि कर रहे हैं। 2a, इक्वेशन 2 है 2a प्लस 4 इंटू बी, बी की जगह आएगा ये 2 माइनस 2a बराबर 5। आइए इसे हल करते हैं। यह है 2a प्लस 4 गुना 2 8 माइनस 4 दूनी 8a बराबर 5। a वाली रकमें ये हैं, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 निकाला 6a, 7 में साइन माइनस का बराबर 5। ये 8 इधर प्लस क्या, उधर आके हो जाएगा माइनस,
तो ये आ गया ए बराबर प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 निकाले, 3 साइन बड़ी रकम का माइनस बटा माइनस 6 ए के साथ गुना हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा भाग। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब ए का मान हमारे पास आ गया 1/2। ए का मान हमारे पास आ गया है 1/2। आइए अब हम आगे देखते हैं। इस ए का मान हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बी बराबर 2 माइनस 2 ए, 2 माइनस 2 इंटू ए, ए कितना है 1/2, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बच गया 2 माइनस 2, 2 कट गया, बाकी रह गया 1, तो 2 में से 1 माइनस किया 1, इसका अर्थ यह है कि b कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आ गई b की वैल्यू, लेकिन हमें तो a और b निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है x और y। तो x किसके बराबर है और y किसके बराबर है, देखो 1/y बराबर है a के, 1/y बराबर है a के, 1/y बराबर a की जगह लिख दो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई y 1 से गुना होके हो जाएगा y बराबर 2 1 से गुना होके हो जाएगा 2। तो ये आ गई हमारे पास a की y की वैल्यू y बराबर 2। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, 1/x बराबर है b के, तो 1/x बराबर है b के, यानी कि 1/x बराबर है b, b की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 1 से गुना होगा तो बन जाएगा एक्स बराबर 1, 1 से गुना हो जाएगा तो बन जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 से गुना होके 1 बन जाएगा 1। तो एक्स का जो मान है वो हमारे पास आ गया है 1। तो हमें इस समीकरण में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, वो हमने वाई बराबर 2 और एक्स बराबर 1 ज्ञात कर दिया है। इस वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ से ना समझ आए पीछे मुड़कर फिर दोबारा देखिए, और यदि आपको समझ आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।